गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार खास रहे युवा नेता। कांग्रेस से जिग्नेश मेवाणी या अनंत पटेल हो या फिर बीजेपी की ओर से हर्ष सांघवी, ये बात कही जा रही है कि पिछले 5-6 साल से गुजरात में सत्ता के फोकस युवा नेता ही रहे हैं। कुछ समय पहले जब रातों रात विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया, उस वक्त एक और शख्स थे जो सबसे कम उम्र में एमएलए तो बने ही, लेकिन प्रोफाइल में सीएम के टक्कर में रहे, नाम हर्ष सांघवी। गुजरात के गृह मंत्री हैं और माजूरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं। लेकिन बीजेपी का इस युवा नेता को बड़ी जिम्मेदारी देने का आखिर गेम प्लान है क्या, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। हर्ष सांघवी सबसे कम उम्र में विधायक तो बने ही, साथ ही सबसे कम उम्र में गृह मंत्रालय जैसा संवेदनशील महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी संभाल रहे हैं। किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक न रखने वाले हर्ष सांघवी पर बीजेपी कितना भरोसा करती है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्हें तीसरी बार माजूरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे तो इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पास हार्दिक पटेल है, लेकिन इस बार उनका पहला विधानसभा चुनाव है और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जिग्नेश मेवाणी और अनंत पटेल विधानसभा में अपना जलवा 2017 में ही दिखा चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने हर्ष सांघवी को बड़े बड़े पोर्टफोलियो क्यों दिए? इसके पीछे कारण है उनका 2020 कोरोना काल में काम। 27 साल की उम्र में पहली बार सांघवी 2012 में विधायक बने। राजनीतिक अनुभव ना होने के बाद भी उन्होंने 2020 के कोरोना काल में बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया, अपने इलाके सूरत में कई बैंक्स को स्थापित किया और कांग्रेस के वोटर माने जाने वाले आदिवासी लोगों के लिए बड़े स्तर पर काम भी किया। यही नहीं, कोरोना की दोनों लहरों में सांघवी पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने सूरत में 200 आइसोलेशन वार्ड खोले। इसके बाद ही बाकी विधायकों और नेताओं ने अपने अपने वार्ड या अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के वार्ड खोले। इसके अलावा सांघवी खुद पीपीई किट पहनकर अस्पतालों में मरीजों से मिलने जाते थे। जिनकी हालत खराब होती थी उनके लिए पर्सनली ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते थे। इसकी वजह से पहली बार बीजेपी आलाकमान की नजरों में आए। हालांकि सांघवी उन चंद नेताओं में से एक रहे हैं जो पीएम मोदी के 2014 के बनारस लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए जिम्मेदार थे। हर रैली को सफल बनाने के लिए आलाकमान ने हर्ष को बधाई भी दी थी। उसी वक्त वो पीएम मोदी से लेकर गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के करीबी बन गए। वैसे तो सांघवी नवी पास है, लेकिन तकनीकी रूप से वो इतने सक्षम है कि उन्होंने 2017 में पीएम मोदी के सूरत के रोड शो को ऑर्गेनाइज किया था। इस रैली में 50,000 युवा, 2,500 बाइक, 3D लेजर और 11 किलोमीटर लंबी साड़ी थी जिसमें सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया था। इस रैली में पीएम मोदी सांघवी से प्रभावित हुए। यही नहीं, मोदी की विदेश यात्राओं में भारतीय मूल के लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी सांघवी का योगदान सबसे बड़ा रहा है। चाहे वो 2014 की प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया टूर हो या फिर 2017 की इसराइल यात्रा। लेकिन बीजेपी के लिए सांघवी एक और वजह से जरूरी है और वो है उनका सूरत से आना। दरअसल 2015 में पाटीदार आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में गुजरात कैबिनेट में 4 मंत्री, पूर्णेश मोदी, हर्ष सांघवी, विनू मोरदिया और मुकेश पटेल, जिनको शामिल किया गया है, वो चारों सूरत से ही हैं। हर्ष सांघवी को काम में लगे रहने की आदत है। खासतौर पर अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने को लेकर भी उन्हें काफी पसंद किया गया। आदिवासी इलाकों में खून की कमी यानी एनीमिया से प्रभावित लोगों के लिए भी उन्होंने काफी मदद की। यही वजह है कि बीजेपी के नेता उन पर भरोसा करते हैं। बात सांघवी के परिवार की तो उनका जन्म 8 जनवरी 1985 को सूरत में हुआ। उनके पिता रमेश सांघवी और माँ देवेंद्रबेन सांघवी हैं। सांघवी ने 9वीं तक पढ़ाई की है। उन्होंने प्राचीबेन सांघवी से शादी की है जो एक हाउसवाइफ हैं। हर्ष और प्राची का एक बेटा आरुष है और बेटी निर्वा है। हालांकि वो राजनीति के अलावा हीरे के कारोबारी भी हैं। उनकी पत्नी ने भी कई कंपनियों में निवेश किए हैं जहां से उनकी कमाई होती है। हर्ष की कमाई अपने आरुष जेम्स, अपने विधायक वेतन और बैंक ब्याज से भी होती है। चल संपत्ति की बात करें तो हर्ष के पास 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसमें कई आभूषणों के साथ साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी भी शामिल है। वहीं पत्नी का कई कंपनियों में 10 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश है। अचल संपत्ति के बारे में बात करें तो उनकी 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसमें उनका घर भी शामिल है। हर्ष सांघवी 15 साल की उम्र में ही राजनीति से जुड़ गए। बीजेपी की युवा शाखा में काम करते हुए वो युवा मोर्चा से जुड़ गए। युवा मोर्चा में हर्ष सांघवी ने अनुराग ठाकुर और पंकजा मुंडे के साथ भी काम किया। 2012 में बीजेपी के माजूरा विधानसभा सीट से पहली बार वो मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में वो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे और सबसे कम उम्र के विधायक भी बन गए। इतना ही नहीं, वो उन चुनाव में सबसे अधिक अंतरों से जीतने वाले विजेता भी थे। 2017 में भी उन्हें टिकट मिला और वहां पर भी जीते। इसके बाद वो गुजरात के सबसे कम उम्र के गृह मंत्री भी बन गए। हालांकि सांघवी कोरोना काल में तब विवादों में भी आए थे जब अपने इलाके में उन्होंने 5,000 से ज्यादा रेमडेसिविर लोगों को बांटे थे। वो रेमडेसिविर जो कि लोगों के लिए मिलना मुश्किल थी।
यही नहीं, 2011 में दिल्ली में उन पर केस दर्ज किया गया था, साल 2012 में सूरत में भी उन पर केस दर्ज किया गया था और 2014 में भी उन पर केस दर्ज किया गया था। हालांकि आज तक वो किसी भी मामले में दोषी करार नहीं मिले हैं।